बेटे प्रैक्टिस असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 एंड 15 हम डिस्कस करेंगे। 11, 12 और 13 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में हमको बोला जा रहा है, अ प्लांट वायरस इज फाउंड टू कंसिस्ट ऑफ यूनिफॉर्म सिलेंड्रिकल पार्टिकल। मतलब क्या है, हम स्टार्टिंग से ही चीजों को एक साथ लेके चलें। लेट अस सपोज कि ये एक प्लांट वायरस है, ठीक है, और ये कैसा है, यूनिफॉर्म सिलेंडर। अब इसमें ये बोल रहे हैं कि इसका पार्टिकल का 150 एंगस्ट्रॉम डायामीटर है। इसका डायामीटर कितना है बेटा, 150 एंगस्ट्रॉम। तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा 75 एंगस्ट्रॉम, राइट। जो डायामीटर है उसका हमने हाफ कर लिया, और इसकी जो लेंथ दे रखी है इन्होंने, ये लेंथ दे रखी है 5000 एंगस्ट्रॉम, राइट, 5000 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। इसके बाद इन्होंने कहा है कि स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ द वायरस, ये एक टर्म हो सकता है आपके लिए नया हो, स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ द वायरस, स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ वायरस, स्पेसिफिक वॉल्यूम कितना है बेटा, 0.75 सेंटीमीटर क्यूब मींस ml पर ग्राम, ठीक है। तो सबसे पहले यहां पर इस टर्म को हम डिस्कस कर दें। स्पेसिफिक वॉल्यूम का मतलब क्या है, इट इज रेसिप्रोकल ऑफ डेंसिटी, रेसिप्रोकल ऑफ डेंसिटी, ठीक, स्पेसिफिक वॉल्यूम डेंसिटी का रेसिप्रोकल है। डेंसिटी क्या होता है बेटा, डेंसिटी होता है ग्राम पर एमएल, राइट, और स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या है, स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या है, ये है एमएल पर ग्राम, ठीक। मींस किसी सब्सटेंस के एक एमएल का जो मास होगा वो उसकी डेंसिटी हो जाएगी, राइट, और किसी सब्सटेंस के एक ग्राम का जो वॉल्यूम होगा वो उसकी जो है उसका स्पेसिफिक वॉल्यूम हो जाएगा, राइट। तो स्पेसिफिक वॉल्यूम हमें दिया हुआ है और हमें डेंसिटी निकालना है, तो हम क्या करेंगे, स्पेसिफिक वॉल्यूम का रेसिप्रोकल यानी 1/0.75 ले लेंगे। मीन्स डेंसिटी ऑफ वायरस कितना हो गया, 1/0.75 ग्राम पर एमएल, राइट। दो चीजें हमको पता चल गई, एक तो वायरस जो है उसके हमें डायामीटर पता चल गए, और दूसरी चीजें जो है उसके लेंथ पता है, और वायरस का हमें डेंसिटी पता चल गया। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि इफ द वायरस इज कंसीडर्ड टू बी ए सिंगल पार्टिकल, अगर वायरस को हम एक सिंगल पार्टिकल कंसिडर कर लें तो फाइंड इट्स मॉलिकुलर वेट। तो इस वायरस का मॉलिकुलर वेट यानी इसका टोटल मास आपको पता करना है, राइट। तो सबसे पहला काम क्या करना है बेटा अपने को, हम पहले इसका जो है वॉल्यूम निकाल लें। तो वॉल्यूम ऑफ वायरस क्या होगा, सिलेंडर है तो पाई आर स्क्वायर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू लेंथ। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना हो जाएगा बेटा, पाई की वैल्यू हो गई 3.14 इंटू आर स्क्वायर, तो आर कितना है, 75 एंगस्ट्रॉम है। मैं साइड में थोड़ा सा कैलकुलेशन कर दूं, 75 एंगस्ट्रॉम, राइट, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 75 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर, और इसे हम लिख सकते हैं 75 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 सेंटीमीटर। पहला क्वेश्चन दिमाग में आता है कि सर एंगस्ट्रॉम में दिया है तो आपने उसे सेंटीमीटर में क्यों कन्वर्ट किया, राइट। तो एंगस्ट्रॉम को बेटा हम सेंटीमीटर में इसलिए कन्वर्ट कर रहे हैं कि फाइनल इसका जो वॉल्यूम आएगा वो आएगा सेंटीमीटर क्यूब, दैट मींस एमएल में आ जाएगा, और हमारी डेंसिटी किस में दे रखी है, एमएल में दे रखी है, राइट। तो अब हम यहाँ पर इस रेडियस की वैल्यू पुट करें, तो ये हो गया 75 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8, और इसका हमें क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है, राइट। तो ये हो गया पाई आर स्क्वायर इंटू लेंथ, तो लेंथ कितना दिया हुआ बेटा, 5000 एंगस्ट्रॉम, तो हम लेंथ को बोल सकते हैं 5000 एंगस्ट्रॉम। इस चीज को अगर हम कैलकुलेट करें तो 5000 एंगस्ट्रॉम को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 10 टू द पावर 3 एंगस्ट्रॉम, राइट।
इसको हम लिख सकते हैं 5 × 10⁻³ × 10⁻¹⁰ मीटर। तो ये 3 इसको कैंसिल कर देगा, तो ये आ जाएगा 5 × 10⁻⁷ मीटर, राइट। और इसको फिर से हम अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा 5 × 10⁻⁵ सेंटीमीटर। 100 से मल्टीप्लाई कर दिया मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए। अब यहाँ पर हम सेंटीमीटर में लेंथ की वैल्यू पुट करेंगे 5 × 10⁻⁵, राइट। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये टोटल हमारा जो कैलकुलेशन होगा वो क्या होगा बेटा, 3.14 × 75 स्क्वायर है, तो फिर 75 × 5 × 10⁻⁸ का स्क्वायर करेंगे 10⁻⁙, और 16 और प्लस माइनस 5, तो ये हो जाएगा 10⁻²¹, राइट। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो ये वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगी हमारी, इस पूरे को सॉल्व करने पर ये आ जाएगा 8.83211 × 10⁻¹⁷ सेंटीमीटर क्यूब, राइट। ये हमारा इसका वॉल्यूम आ गया। अब हम क्या करेंगे, वॉल्यूम हमें पता चल गया, तो वॉल्यूम पता चलने के बाद डेंसिटी हमें पता है, तो मास ऑफ वायरस कितना होगा, मास ऑफ वायरस, वायरस का जो मास होगा वो क्या होगा, तो मास निकालना है तो हम क्या कहेंगे, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, राइट। डेंसिटी कितनी है बेटा, 1/0.75, तो डेंसिटी हो गई 1/0.75 और वॉल्यूम ये हो गया, तो हमारा टोटल जो मास आ जाएगा वो आ जाएगा 8.83125 × 10⁻¹⁷ और डिवाइडेड बाई, क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/ है तो डिवाइडेड में चला जाएगा 0.74, राइट। अब ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, इस चीज़ को हम सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू जो है टोटल हमारी आ रही है, दिस इज इक्वल टू 1.1775 × 10⁻¹⁶ ग्राम, राइट। अगर हमारा आंसर ग्राम में दिया गया है तो हम इसको ऐसे ही टिक कर देंगे, दिस वन द ग्राम, लेकिन अगर ग्राम में नहीं है तो इसे हम एएमयू में कन्वर्ट करेंगे, और एएमयू में कन्वर्ट करने के लिए क्या होता है बेटा, 1 ग्राम इज इक्वल टू NaAmu, Na क्या है, एवोगाड्रो नंबर, राइट। तो ये चीजें पहले पढ़ाई जा चुकी हैं आपको, तो हम इसे क्या कर देंगे, 1.1775 × 10⁻¹⁶ × 6.02 × 10⁻²³। इस पूरी वैल्यू को सॉल्व कर लीजिएगा तो ये आ जाएगा 7.09 × 10⁻¹⁷ AMU, ठीक। ये हमारा आंसर AMU में हो गया और ये आंसर किस में हो गया, ग्राम में, राइट। अगला क्वेश्चन 15 है बेटा, और क्वेश्चन नंबर 15 में हमसे जो बोला जा रहा है, यहाँ बोला जा रहा है कि पोटेशियम इज द नेचुरली अकरिंग रेडियो एक्टिव आइसोटोप हैविंग द नेचुरल अबंडेंस 0.012% ऑफ द पोटेशियम आइसोटोप्स। हाउ मेनी पोटेशियम 40 एटम्स डू यू इंजेक्ट बाई ड्रिंकिंग 1 कप ऑफ होल मिल्क कंटेनिंग 370 mg पोटेशियम। मतलब क्या है, मिल्क में पोटेशियम प्रेजेंट है, राइट, और अगर 1 कप मिल्क का इंटेक कोई करता है, कोई 1 कप जो है मिल्क पीता है, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में उसकी बॉडी में 370 mg पोटेशियम जा रहा है, राइट। तो टोटल पोटेशियम 1 कप में कितना है बेटा, 1 कप मिल्क में टोटल पोटेशियम कितना है, 370 mg, राइट।
अब यहां पर बोला जा रहा है कि पोटेशियम का जो एक आइसोटोप है वो है के फोर्टी, राइट, के फोर्टी इज द आइसोटोप ऑफ पोटेशियम। और इसका जो नेचुरल अबंडेंस है, ये जो नेचर में पाया जाता है, वो 0.012% है। ठीक, इसका मतलब बेटा कि अगर 370 मिलीग्राम पोटेशियम कोई इंटेक करता है तो इस पूरे मास का 0.012% पोटेशियम 40 होगा। तो हम निकाल लें मास ऑफ पोटेशियम 40 कितना हुआ, मास ऑफ पोटेशियम 40 ये कितना हो गया, तो ये हो जाएगा 0.012%, यानी 100 में कितना 0.01, तो 370 में कितना, राइट। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 0.0444 मिलीग्राम आ जाएगा, राइट। मींस इतना पोटेशियम जो है वो बॉडी में इंटेक होगा इफ अगर कोई भी एक कप मिल्क जो है वो पी रहा है। ठीक है, अब क्या है बेटा, इस मिलीग्राम ऑफ पोटेशियम 40, इतने मिलीग्राम पोटेशियम 40 में पोटेशियम 40 के एटम्स कितने हैं, तो सबसे पहले हम क्या निकाल लें, मोल्स ऑफ पोटेशियम, मोल्स ऑफ पोटेशियम 40, पोटेशियम 40 के मोल्स कितने हो गए। तो मोल्स ऑफ पोटेशियम 40 अगर हमें निकालना है, या मिलीग्राम आ गया, तो मोल्स ऑफ पोटेशियम 40 को निकालने के लिए इस मिलीग्राम को पहले बेटा हम किस में कन्वर्ट कर लें, ग्राम में कन्वर्ट कर लें। ध्यान से देखिएगा, दो डेसिमल हम यहां पर ला रहे हैं तो हम लिख रहे हैं 4.44 × 10⁻², राइट। 4.44 × 10⁻², ये अभी भी किस में है बेटा, मिलीग्राम में। इसको ग्राम में कन्वर्ट करना है, मतलब इसको 1000 से डिवाइड करना है, तो डिवाइडेड बाय 1000 अगर करेंगे तो 1000 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 10⁻³, और -3 इस -2 में क्या हो जाएगा, ऐड, यानी 4.44 × 10⁵ ग्राम, राइट। ये आ गया, इसके मोल्स आ गए टोटल जो है, क्लियर है। अब इसके बाद अगर इसके मोल्स टोटल आ गए इतने, तो हम अब क्या करेंगे, मोल्स ऑफ पोटेशियम 40 हमें आ गया, मास ऑफ पोटेशियम 40 आ गया, अब हम निकालेंगे मोल्स ऑफ पोटेशियम 40। तो मोल्स ऑफ पोटेशियम 40 के लिए हम क्या लेंगे बेटा, वेट अपॉन अटोमिक वेट, राइट। तो ये कितना हो जाएगा, 4.44 × 10⁵ और डिवाइडेड बाई 40, राइट। तो यहां पर ये आ जाएगा 0.111 × 10⁵ -5 मोल्स, राइट। अब मोल्स जो हैं वो 0.00 0.1151 × 10⁻⁵ मोल्स आ गए। इसको बेटा हम क्या लिख सकते हैं, 1.11 × 10⁻⁶, राइट, इतने मोल्स हो गए। इसको नंबर्स में कन्वर्ट करें, कैसे कन्वर्ट करेंगे, एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो एटम्स ऑफ पोटेशियम 40, पोटेशियम 40 के एटम्स कितने होंगे, इसके मोल्स कितने हैं, 1.11 × 10⁻⁶, राइट, और × 6 × 10⁻², राइट। तो 6 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा 6.66 ये जो नेगेटिव है इसको कैंसिल कर देगा, तो ये आ जाएगा 10⁻⁷, कितना आ जाएगा बेटा, 17, राइट, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है, ओके बेटा।